दीक्षा का अर्थ होता है कि आज हम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मनुष्य की योनि मिलती है, लेकिन देखने में ये आता है कि लोग केवल खा पी कर सो करके कुछ सोना चांदी इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं और बदले में खाली हाथ जाते हैं, दोबारा से फिर अपने कर्मों को भोगने के लिए इस मर्त्यलोक में तमाम अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिलेगी, इसका कोई भी उपाय है नहीं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो आपको शरीर के रूप में एक ऐसा यंत्र मिला है जिसके तार एकदम हारमनी के साथ, जैसे वीणा के तार कसे जाते हैं जिससे सुर निकले, तो तार या तो बहुत ढीले होते हैं या तार बहुत कसे होते हैं वीणा के, तो सुर नहीं निकलता, संगीत नहीं बनता। तो दीक्षा का यही उद्देश्य है कि आपके जो शरीर रूपी यंत्र है उसके ढीले या ज़्यादा कसे तार को संतुलित कर दिया जाए ताकि आपके अंदर से सुर निकले और अगल बगल के लोग सुन करके आनंदित हों, आपको भी आनंद मिले, परिवार को भी मिले, समाज को भी आनंद मिले और पूरी सृष्टि आनंद से भर जाए। और जब सृष्टि आनंद से भर जाती है तो फिर आप आनंद से भरे बिना नहीं रह जाते, आप भी आनंद से भर उठते हैं। इसीलिए शरीर को ट्यून किया जाता है दीक्षा के द्वारा, संतुलन पैदा किया जाता है।